दोस्तों हमारे YouTube चैनल शनि मीट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। आज ये सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट कि हम आपको बता नहीं सकते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले, सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज ही सेशन शुरू करने से पहले आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है दोस्तों, आज ये क्वेश्चन कितनी मज़ेदार है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपये की एक राशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा गया कि एक राशि पर 5% की दर से तथा दूसरे राशि पर 7% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज 265 रुपया प्राप्त होता है, तो दोनों राशि ज्ञात करें। मतलब 2500 रुपये की एक राशि है, उसको दो भाग में बांट दिया, एक पर आपको उसने क्या किया 5% की दर से तथा दूसरे राशि पर उसने 7% की दर से 2 साल के लिए ब्याज लगाता है, तो उसे 265 रुपया टोटल प्राप्त होता है, तो दोनों राशि क्या होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें जो हम यूज करेंगे आज वो एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि एलिगेशन मेथड से क्या होगा, बहुत ही इजी हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है, जहाँ तीनों चीज़ सेम राशि हो, मतलब तीनों एक जैसा हो। जैसे देखिए, पहला 5% है, दूसरा 10% है, इसका रिजल्टेंट अगर हम निकाल लें कि टोटल उसने कितना दर पे दिया, यानी कितना दर पे उसे 265 रुपया प्राप्त हुआ, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम पहले टोटल दर निकालेंगे किस दर पे दिया। तो दोस्तों अगर हम यह रिजल्टेंट निकाल लें कि कितना हमने दर दिया टोटल 265 रुपया में, तो मेरा आसान हो जाएगा एलिगेशन मेथड। तो चलिए पहले यह निकाल लेते हैं, 2 साल में ब्याज कितना दे रहा है, 265 रुपया दे रहा है, 2 साल में दे रहा है। तो अब बताइए, तो 2 साल में अगर 265 रुपया ब्याज दे रहा है तो 1 साल में कितना देगा, तो 265/2 रुपया यही देगा। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब इसका दर निकालने के लिए कल क्या बताए थे, 265/2 रुपया दे रहा है, कितने में दे रहा है, 2500 रुपया में, गुने 100, डबल सुना कट गया, यहाँ से अगर हम काटेंगे कितना में कटेगा, 25 से 5 से काटिए 25 5 दिया 15, यानी आ गया 53/10, यानी 5.3% की, यानी रिजल्टेंट दर आ गई। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा, तो भैया एक पर दे रहे हैं 5% और एक पर दे रहे हैं 7%, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है, 5.3%। अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, ये घट के कितना आ जाएगा, 1.7, और ये घट के कितना आ जाएगा, 0.3। तो यदि यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो ये रेशियो कितना आएगा, 17:3 आएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट उड़ गया, तो 17:3 क्या आ गया, 3। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो राशि लगा हुआ था वो किस अनुपात में लगा हुआ था, 17:3। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 20, और यही 20 किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो यहाँ से अगर एक का निकालेंगे तो ये सुना सुना कट गया, दो बार से काटेंगे 125, यानी एक बराबर कितना आया, 125 रुपया। तो कर रहा है दोनों राशि, तो यहाँ से 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 125, 17 × 5 = 85, 8 7 × 34, 8 कितने हो गया, 42, 17 × 4 कितने हो गया, 21, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 125, यानी कितना जाएगा, 375 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। बस एलिगेशन मेथड से हमने क्या किया कि जो राशि थी उस राशि का हमने अनुपात निकाल लिया कि वह राशि लगी किस अनुपात में। एलिगेशन मेथड से यही फायदा होता है दोस्तों, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। बस सत्य याद रखिएगा, तीनों सेम चीज, ये भी दर था हमारा, ये भी दर था, ये भी दर था, और बीच वाला भी दर ही था, है ना दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से, 2500 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से, और 3500 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाता है, यदि कुल राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मिलता हो तो 8% ज्ञात करे। क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा दम है, बाकी कुछ दम नहीं है दोस्तों। आप इसमें एलिगेशन से कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि तीन गो राशि है और तीनों राशि का रिजल्टेंट आपको दे दिया है, पिछले गो राशि गायब कर दिया, तो वही आपसे पूछ रहा है कि ये जो 8% दे रहे हैं वो निकालिए। तो अब ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा, यदि हम तीनों का अलग अलग ब्याज निकाल ले और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो कुल राशि है उस पर 8% ब्याज के, वो दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा।
हम यह निकाल लें कि 2000 का 5% वार्षिक दर से, 2500 रुपये का 10% वार्षिक दर से और 3500 रुपये का 8% जो वार्षिक दर है, इसमें जो ब्याज हमें मिला तीनों को जोड़ करके और जो कुल राशि है उस पर जो 8% ब्याज मिला, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्व हो गया आपका, लीजिए है ना। कह रहा है कुंची कि 2000 का 5% तो 5% यही ब्याज हुआ। अरे एक वर्ष के लिए मान लेते हैं, एक ही वर्ष के लिए है, प्लस में 2500 रुपये की राशि जो है वह 10% की दर से, प्लस में 3500 रुपये की राशि 8% की दर से, और यही तीनों जोड़ करके है ना कुल राशि पर 8% दिया, तो कुल राशि कितना हो गया 2000 प्लस 2500 कितने हो गया 4500, 5000 यानी 8000 कुल राशि हो गया। और इसी पर ये कितना दे रहा है 8% दे रहा है। अब गुना भाग कीजिए, ये कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया। अब कीजिए 20 × 5 = 100, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 35R बराबर में 8×8 = 64। इसको जोड़िए, 35R बराबर क्या हो जाएगा 640, माइनस में दोनों को जोड़िए 350, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 35R बराबर कितने हो गया 0 × 0 = 9, 5 = 14, 3 × 2 = 5 = 6। देख लीजिए फिर से जोड़ लीजिए, 90 × 50 = 40, 3 × 2 = 5 = 6, तो R बराबर आ गया 290/35। अगर इसको अब दोस्तों अगर इसको काटेंगे 5 से तो 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे 25 = 25, 8 × 5 = 40, यानी 58.7% इसका R आ गया। देखिए कितना इजी वे में आपका R निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, है ना। चूंकि यहाँ डाटा इजी था, यही डाटा हार्ड करके देगा तो आप गुना भाग में फंसेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा लेट से बनेगा और आपका टाइम ओवर है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ धनराशि 2 साल के लिए 3% वार्षिक दर से तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से तथा अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर दिया जाता है, तो उसे कुल 1520 रुपये की साधारण ब्याज प्राप्त होती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। भैया देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, कुछ रुपया जो है ना पहले 2 साल के लिए 30% पर निवेश किया या दिया किसी को वार्षिक दर से, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से दिया और फिर अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से दिया और लास्ट में उसे कुल मिला के 1520 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो राशि ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसको बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हम पहले राशि को मान लेते हैं x, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो हमने माना कि जो राशि है वह राशि क्या है x, अब इसी को ना बार बार हेरा फेरी कर रहा है, तो पहले जो है वह x को क्या किया, उसने 2 साल के लिए 3% पे दिया, तो 2 साल के लिए अगर 3% पे दिया तो टोटल कितना दिया 3×2 = 6% दिया कि नहीं दिया। चलिए आगे चलते हैं उसके बाद, अब फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% मतलब 18 के कितना हो गया 24%, फिर अंतिम 1 वर्ष के लिए उन्होंने 10% के दर पे दिया, दिया कि नहीं दिया, यही तो टोटल उसका दर हुआ। देखिए दो साल के लिए 3% मतलब टोटल दर की 2 साल में कितना हुआ 6%, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% मतलब 3 साल में कितना हुआ 24%, और फिर अंतिम 1 वर्ष के लिए 10% मतलब क्या हुआ 10×10%, तो टोटल हमारा जो ब्याज दर होगा कितना हो गया 24×10=34, 40% टोटल ब्याज लिया हमने, और यही ब्याज क्या है 1520 रुपया, यही ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व है, हाँ इसको काटेंगे 4 × 4 = 12, 3 × 8 = 32, यानी x बराबर आ गया 300 इतना गुने 10, यानी टोटल आ गया 3800 रुपया, यानी जो हमने राशि लगाई थी वह राशि क्या हो गई 3800 रुपया हो गई, है ना। तो देखिए कितना इजी वे में हमने आपको बना करके दिखा दिया। इसे तो कहते हैं मैथमेटिक्स को समझना और बनाना, ये तब होगा जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही आपका अच्छा होगा, है ना। इसलिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बुक से कर सकते हैं कर डालिए, रुकिए मत, चुकिए मत। अगर रुक गए चुक गए तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी, बस मेहनत लगातार होनी चाहिए।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल वे में दोस्तों हम बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में, देखिए कितना इजी वे में ये आपको सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष में कोई साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 30% हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि 6 वर्ष में जो उसका ब्याज है, 6 वर्ष में जो भी उसका ब्याज है वह कितना हो गया, 30%, मूलधन का 30% हो गया। तो अगर 6 वर्ष में 30% हुआ तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना हुआ, ये 5% होगा कि नहीं होगा। अगर 6 वर्ष में 30% होगा तो 1 वर्ष में कितना होगा, 5% होगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन के बराबर कब होगा, तो मूलधन के बराबर होने के लिए उसे 100% होना होगा, तभी ना वो मूलधन के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि 5% जो है उसको कितना होना पड़ेगा, 100%। तो इसका मतलब इसमें हम कितना से गुना करिए, 20 से, तो इसमें भी हम कितना से गुना कर देंगे, 20 से, यानी 20 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, अपने 100% के बराबर हो जाएगा, है ना। अब इसी को मतलब ये लॉजिक है, थोड़ी सी लॉजिक है, लॉजिक का खेल था और कुछ था क्या इसमें, थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल था दोस्तों, है ना। चलिए फिर अब दोस्तों किस्त वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस्त वाले अगर साधारण ब्याज क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में हम बताएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस लास्ट तक बने रहिएगा, किस्त वाले सवाल हम इजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, 12,800 रुपये की राशि कर्ज ली गई जिसकी अदायगी 3 वार्षिक किस्तों में की जाएगी और ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त में कितने रुपये दी जाएगी यदि प्रथम किस्त दूसरे किस्त का आधा तथा तीसरे किस्त का 1/3 हो। बहुत ही सिंपल है, रेशियो मेथड पर ले जाएंगे और पिछला जो हमने यूज किया उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 12,800 रुपये की राशि है, 3 वार्षिक किस्त में देनी है, ठीक है, और ब्याज की दर 10% है और क्वेश्चन कह रहा है कि कितने रुपये में जाएगी, तो प्रथम किस्त जो है वह दूसरे किस्त का आधा है, प्रथम किस्त जो है वह दूसरे किस्त का आधा है तथा तीसरे किस्त का 1/3 है। मतलब जो पहला जो किस्त है ना वह दूसरे का आधा है और तीसरे का 1/3 है। तो अब एक चीज बताइए हमको कि इसमें हम ऐसा क्या चीज मान लेंगे तीनों सॉल्व हो जाए, तो इस तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, प्रथम किस्त, ये दूसरे किस्त का भी आधा है और तीसरे किस्त का भी 1/3 है। तो प्रथम किस्त को मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमने ये 3 किस्त दिया, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, है ना। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए हम प्रथम किस्त को एक्स मान लें, प्रथम किस्त को क्या मान लें, एक्स मान लें। तो कह रहा है कि प्रथम किस्त जो है वो दूसरे किस्त का आधा है, मतलब इसका ये क्या है, आधा है। तो अगर इसका ये आधा, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो है इसका दोगुना है। हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए इसका ये आधा है, इसका ये आधा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका दोगुना होगा, तभी तो इसका आधा ये होगा, यानी इसको हम मान लीजिए क्या हो गया, 2x। अब यहां ये इसका 1/3 है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये इसका 3 गुना है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 3x हुआ कि नहीं होगा। चलिए अब इसका अगर रेशियो निकाल लें तो रेशियो क्या निकलेगा, 1:2:3, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपया दिया, इसको मान लेते हैं 200 रुपया दिया, इसको मान लेते हैं 300 रुपया दिया। तो दोस्तों हमने निकाल लिया, पहला वर्ष 100 दिया, दूसरा वर्ष 200, तीसरा वर्ष 300, ये अनुपात को हमने मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, पहला 3 किस्ती दे रहा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला किस्त जो जमा करेगा उसको दूसरा और तीसरा दोनों वर्ष का ब्याज लगेगा, यानी कि पहला वर्ष जो किस्त जमा करेगा उसको कितने वर्ष का लगेगा, 2 वर्ष का, और दूसरा किस्त जो जमा करेगा उसे सिर्फ तीसरे वर्ष का ही ब्याज लगेगा, मतलब दूसरा वर्ष कितना लगेगा, 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, और तीसरे बेर जमा कर देगा तो मतलब क्या हुआ, 0 वर्ष का इसको ब्याज लगेगा, 1 ही वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा इसको। तो इसका मतलब हुआ कि यदि 10% वार्षिक है तो इसका मतलब हुआ इसको कितना लगेगा, 2 वर्ष में 20% लगेगा, इसको कितना लगेगा, 1 वर्ष का दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि 10% इसको लगेगा, और इसको तो कुछ लगवे नहीं करेगा, मतलब ये 300 का 300 क्या करेगा, सॉलिड जमा कर देगा। अब दोस्तों यदि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 120, और 200 का 10% निकालेंगे तो कितना देना होगा, 220, क्योंकि 200 का 10% 20 हुआ था, 20 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 220 हो गया। अब यहाँ ब्याज देना ही नहीं, तो मतलब 300 रुपया जमा किए, तो टोटल मिला करके कितना हो गया, 120 प्लस 220 प्लस में 300, है ना। ये तीनों 3 वर्ष का हमें किस्ती हो गया, 0 के 0, 2 2 4, 3 2 5 1 6, यानी 600
₹40। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं करा, हमारा क्वेश्चन करा कि 12,800 रुपया आपको चुकाना है, 640 नहीं चुकाना है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 12,800 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब कितना से गुना करेंगे, यहाँ से देखिए सुना सुना कट गया, 64 × 61 है, यानी इसमें कितना से गुना करेंगे, 20 से। तो सब में भी कितना से गुना कर देंगे हम, 20 से गुना कर देंगे, क्योंकि तीनों किस्ती हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तीनों किस्ती का 20 से गुना करेंगे, है ना। तो आप गुना कीजिए, तो पहला किस्ती कितना हो गया, पहला हो गया 12 × 24 2400, दूसरा किस्ती कितना हो गया 22 × 4400, और तीसरा किस्ती कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 6 यानी 6,000 रुपया। ये तीनों किस्ती हमारा आंसर आ गया। बस देखिए थोड़ा सा क्या है कि अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो आप पहले आप अनुपात निकाल लीजिए, तीनों किस्त का अनुपात क्या है, उसके बाद उसको मान लिए, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वर्ष का देगा तो मतलब पहला वर्ष जो चुकाएगा 2 वर्ष का देगा तो 2 वर्ष का दर कितना हो जाएगा 20%, 1 वर्ष से कितना हो जाएगा 10%, और फिर उसका अगला वर्ष देना ही नहीं तो फिर उतना ही देगा। तो इस तरह से जोड़ करके उसके बाद जितना पैसा था उसके बराबर कर दिए, आंसर आ गया। देखिए कितनी इजी वे में आपको निकल गई किस्ती वाले सवाल। तो इस सब जो भी सवाल आएंगे दोस्तों आप आसानी वे से सॉल्व कर लेंगे। अब एसआई में कुछ नहीं बचा, एसआई पूरी तरह से खत्म हो गई है ना दोस्तों। अब इसमें एसआई में कुछ बचा नहीं है, अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा, अगली जो वीडियो आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज पे आएगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नया तरीका लेके आएंगे। बस आप इसी तरह हम प्यार देते रहिए हमारे साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।